कच्ची इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ ही जाता है। क्या आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ ये अंडों की कड़ी कच्ची इमली के साथ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ कच्ची इमली। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और इसमें डाल दूंगी पानी और इसे गलने के लिए रख दूंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। जब ये गल जाएगी तो इसे हम एक साइड में रख देंगे। फिर इसके बाद मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डालूंगी तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भून लूँगी इसमें। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसे डालकर इसे भी अच्छे से भून लूँगी और फिर इसमें डालूँगी हरी मिर्च। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी, नमक और लाल मिर्च। इसे अच्छे से पका लूँगी और रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा चावलों को इस तरह से भिगो लीजिएगा, अच्छे से धोकर साफ़ पानी से भिगो दीजिएगा। फिर अब मैं यहाँ पर ये इमली का खट्टा निकाल रही हूँ और इस छलनी की मदद से छानकर एक साइड में रख दूँगी इस कटोरे में निकाल कर। तो फिर अभी चलते हैं हम टमाटरों की तरफ, देखते हैं कि टमाटर गले हैं या नहीं। तो देखें यहाँ पर टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं इसे एक इसमें मिक्स कर दूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी टमाटरों को। फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये इमली का खट्टा। इसे थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एकदम से मत डाल दीजिएगा क्योंकि अगर ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो आप खा नहीं सकोगे, तो थोड़ा सा देख कर डालिएगा। फिर इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और कड़ी पत्ता और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पका लूँगी तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें खट्टा डाला है हमने तो इसे इसकी स्मेल ख़त्म होने तक इसे पका लीजिएगा। जब तक ये खट्टा बन रहा है तो चलिए हम ये चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इन चावलों से पानी निकाल दूंगी और इसे चावलों को इस जार में डाल दूंगी। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा 1 टीस्पून और कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्च और थोड़े से लहसुन, और इसमें पानी डालकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम। फिर इसे एक साइड पर रख देंगे, इस तरीके से हमें बना लेना है। अब चलते हैं हमारे सालन की तरफ। तो यहाँ पर खट्टा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, तब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। फिर इसमें डालूँगी, एक हाथ से हमें ये पेस्ट को डालना है और एक हाथ से हमें मिक्स करते जाना है ताकि लम्स ना बने इसमें। इस पेस्ट को पूरा नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा देख देख कर डालेंगे क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएगा ना तब ये बहुत ही थिक हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है और इतना बचा लिया है। तब मैं इसमें ढक्कन ढककर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि इसके जो चावल है वो पक जाए। तो देखिए बनकर तैयार है ये कड़ी। अब इसके बाद हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडों को लिया है और इसमें डालूंगी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे फ्राई कर लूँगी, जिस तरीके से हम ऑमलेट बनाते हैं उसी तरीके से बना लेना है। और इसमें डाल दूँगी मैं। तो लीजिए बनकर तैयार है अंडों की कड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलती हूँ, हाज़िर होंगी एक न्यू रेसिपी के साथ अपने चैनल सिज़लिंग रसोई में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।